सुप्रभात बच्चों, आज हम देखने वाले हैं पांच छठवां और उस बात का नाम है पोंगल। बच्चों पोंगल, पोंगल इस त्योहार के बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। इस पार्ट में हम जानेंगे पोंगल कब मनाते हैं, कहाँ मनाते हैं बच्चों, और वो कैसे मनाते हैं, उसके दिन क्या करते हैं, वो सब हम इस पार्ट में देखते हैं। पोंगल क्या है बच्चों? एक त्योहार क्या है बच्चों? एक त्योहार वो कब मनाया जाता है और कहाँ मनाया जाता है? होली। पोंगल तमिलनाडु का फसली त्योहार है। क्या बोल रहे हैं बच्चों? पोंगल एक तमिलनाडु का क्या है? पोंगल एक तमिलनाडु का फसली त्योहार है। जब फसल हमको खेत में से जब फसल आती है और तब उस फसल से हमको खुशी मिलती है, हम वो व्यक्त करने के लिए, वो दिखाने के लिए, वो भावना दिखाने के लिए पोंगल ये त्योहार वो तमिलनाडु के किसान उस दिन मनाते हैं। यह माघ महीने के संक्रांति को मनाया जाता है। कब बच्चों? यह माघ महीने के संक्रांति के दिन मनाया जाता है। पोंगल कौन सा त्योहार है बच्चों? संक्रांति। सभी राज्यों में बच्चों, ये बहुत ही अच्छे से सुनो, सब राज्यों में एक ही त्योहार अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। उस राज्य की एक अलग वैशिष्ट्य होते है, अलग वे होती है, और वैसी ही हम जब ऐसे यहाँ पे संक्रांति को मनाते हैं, वही त्योहार तमिलनाडु में क्या बोल के मनाया जाता है बच्चों? पोंगल। पोंगल बोल के मनाया जाता है। वो कब मनाया जाता है? माघ महीने में मनाया जाता है। और उस दिन क्या करते हैं वो सब इस पाठ में देखेंगे। जो त्योहार में बोले तो हमको क्या आदत है? एक तो स्वादिष्ट खाना और नए नए कपड़े और पूजा करना, वो सब इस त्योहार में, सभी त्योहार में किए जाते हैं। इस त्योहार में क्या विशिष्ट है वो सब आज हम देखेंगे। बच्चों मैं पाठ शुरू कर रही हूँ। पाठ छठवां पोंगल, पेज नंबर 27 पर हम शुरुआत करें कि क्या है बच्चों? दो डायलॉग राइटिंग है। जैसे नानी गोरी का उसकी पोती लक्ष्मी, उसका नाम क्या है? लक्ष्मी। उसकी नानी के साथ के बात करते समय वो सब कुछ पूछ रही है कि पोंगल त्योहार क्या है नानी, और कैसे मनाते मुझे बता। और उसकी नानी उस त्योहार के बारे में कुछ जानकारी बता दी, कुछ जानकारी दे दे, और वो त्योहार कैसे मनाता है वो सब कुछ बता दे। इस बात की शुरुआत करें, जैसे पहले बोले हैं लक्ष्मी। नानी नानी, क्या पोंगल आने वाला है? क्या पूछ रहे लक्ष्मी? क्या पोंगल आने वाला है? नानी, हाँ बेटा, 3 महीने की पहली तारीख को पोंगल मनाएंगे। क्या बोल रही है उसकी नानी? 3 महीने की पहली तारीख को पोंगल मनाएंगे। कब मनाएंगे बोले उसकी नानी? 3 महीने में पहली तारीख को। और वो पूछ रही बच्चों, उसकी पोती लक्ष्मी पूछ रही है नानी को, नानी पोंगल त्योहार कब आने वाला है? वो आने वाला है तो उसकी नानी उसको बता रही है। हमको उसकी नानी क्या बोल रही है? लक्ष्मी, हम पोंगल क्यों मनाते हैं नानी? क्या पूछ रही है नेक्स्ट क्वेश्चन लक्ष्मी? हम पोंगल क्यों मनाते हैं नानी? किस वजह से मनाते हैं? उसकी नानी क्या बता रही है? सुनो बच्चों, धान की फसल अच्छी हुई है। क्या बता रही है? हम किसान जब धान की फसल करते हैं वो अच्छी हुई है, और हम अपनी खुशी प्रकट करने के लिए पोंगल मनाते हैं। क्या बोले? हमारे हैप्पीनेस, हमारी खुशी दिखाने के लिए इस त्योहार को मनाया जाता है। नानी, माँ कहती है कि पोंगल 4 दिन मनाते हैं। क्या बोले बच्चों? पोंगल कितने दिन मनाते हैं? 4 दिन। वो 4 दिनों में पोंगल इस त्योहार कैसे मनाते हैं, क्या क्या करते हैं, वो सब कुछ हम आज देखेंगे। और उसके लिए हम पहले देखेंगे नानी क्या बता रही है। नानी और लक्ष्मी क्या पूछ रहे? नानी, माँ कहती है कि पोंगल 4 दिन मनाते हैं। कब तक मनाते? कितने दिन मनाते बच्चों? पोंगल एक त्योहार कितने दिन मनाते? 4 दिन। और उस 4 दिनों में क्या क्या करते?
तई महीने में पहले दिन वो पोंगल आ रहा है। और उस वो पोंगल कितने दिन मनाते हैं बच्चों? चार दिन। पहले दिन क्या होते हैं? भोगी पोंगल। दूसरे दिन सूर्य पोंगल। तीसरे दिन मट्टू पोंगल। और चौथे दिन कन्या पोंगल। ऐसे चार दिनों में चार अलग अलग नामों से पुकारते हैं। उस चारों दिन हम अलग अलग नामों से पुकार के उस दिन हम वो पोंगल मनाते हैं। पहले दिन कौन सा पोंगल मनाते हैं बच्चों? भोगी पोंगल। दूसरे दिन सूर्य पोंगल और मट्टू पोंगल और कन्या पोंगल। ऐसे चार दिन अलग अलग नामों से पुकार कर वो पोंगल त्योहार मनाया जाता है। आगे की वीडियो में हम देखेंगे वो पहले दिन भोगी पोंगल में क्या क्या मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, वो सब कुछ इस आगे की वीडियो में देखेंगे।